नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर सिद्धार्थ। मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार द्वारा आज विकास खंड डुमरियागंज के ग्राम औराताल में NRLM के अंतर्गत THR प्लांट का निरीक्षण किया गया है। इस THR प्लांट में बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण आहार के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले नमकीन दलिया, मीठा दलिया, वही पंजीरी एवं बेसन आटा आदि का निर्माण किया जाएगा। THR प्लांट में डुमरियागंज एवं भनवापुर के 300 समूहों महिलाओं के FPO शिवांश प्रेरणा समूह के द्वारा अपनी बचत की धनराशि से मिलाकर निर्माण कराया गया है। इस प्लांट में 73 लाख की मशीन के उपकरण को लगाया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन 2.5 मीट्रिक टन पुष्टाहार का निर्माण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्लांट में 2 शिफ्ट में समूह की महिलाओं द्वारा कार्य किया जाएगा, जिसका मानदेय अलग से महिलाओं को प्राप्त होगा। प्लांट में फ्लोर टेक कंपनी द्वारा मशीन की स्थापना की गई। प्लांट का विद्युत कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है, जिसे इस माह संचालित करा लिया जाएगा। सिद्धार्थ नगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, संगोष्ठी का जो है कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, किस चीज़ को लेकर जो है कार्यक्रम था और लोगों महिलाओं को किस चीज़ पर फोकस करवाया गया है? एक तो मतलब पहला एक ये था कि हम समूह की महिलाओं से इंटरेक्शन करें, उनके द्वारा क्या समस्याएं आ रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे धरातल पर कितना काम उतर रहा है, उसको एक देखने की मंशा है। दूसरा, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे उनका फीडबैक लेना का एक उद्देश्य था कि उनसे जाने की क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा ये था कि ये टेक होम राशन का जो प्लांट लगा है ये हमारे समूह के द्वारा चालू किया जाना है। इसका विद्युत कनेक्शन जो था वो हमारा लगभग पास तक आ चुका है। एक दो दिन में हमारी कोशिश है कि विद्युत कनेक्शन इस प्लांट को मिल जाए। उसके बाद जो मशीनें हैं ये समूह के महिलाओं के द्वारा ही एक तरह का मतलब कॉरपोरेट कल्चर के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्लांट रन करे और जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पोषाहार का वितरण होता था ये यहीं से बनेगा और यहीं आसपास के क्षेत्रों में आसपास के लोगों को ये वितरित किया जाएगा। इसको सुदृढ़ करने की हमारी कोशिश। कितने महिलाओं को रोजगार मिलेगा सर इससे? इसमें एक समूह इसको रन करेगा। अब इसमें मैं प्लांट कैपेसिटी देखूंगा कि कितनी है। 2 शिफ्ट में काम चलेगा तो कुछ लोग हम लोग हायर भी करेंगे, कुछ जो पुरुष भी उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है वो सारे समूह के द्वारा देखेंगे।